कैसे हैं मेरे दोस्तों, मैं सुमित अनेजा फिर आपके साथ। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये मिट्ठू मियाँ जाग गए हैं और इनको पता है कि मैं आ गया हूँ। कल इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैंने इसको कुछ दवाइयाँ दी और अब ठीक लग रहे हैं। देखा कैसे सोता ही है रावणों की तरह। रावण भी इसे सही सोता होगा कि पूरे घर में इसने तहलका मचा रखा है। तो मैं आपको बता रहा था अपनी एक्चुअली दो दिन हो गए मैंने आपको अपनी हेल्थ का अपडेट नहीं दिया। मैं गया था डॉक्टर के पास बैंडेज कराने तो डॉक्टर साहब ने बोला कि 5 दिन हो गए उसके लिए, 5 दिन हो गए एंटीबायोटिक लगे हुए तो अब आपका कैनूला हटा दिया जाएगा। तो आपकी एंटीबायोटिक हमने बंद कर दी है आज से, तो मुझे बहुत खुशी मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बैंडेज है पट्टी है वही अभी वो 3-4 दिन रहेगी। तो खुशी की खबर ये है कि मेरी एंटीबायोटिक बंद हो गई है, बड़ी नहीं। लोगों को 15-15 दिन एंटीबायोटिक लग जाती है तो मेरी 5 दिन में ही ओवर होगी जो जनरल लोगों को लगती है। तो अब जो रेस्ट मोड है वो मेरा ख़त्म तो नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन 100 में से 50% ख़त्म हो गया है। तो 50% में मेरे को ऐसा नहीं है कि दौड़ना भागना है, बस तरीके से हर काम करना है कि वो चीज़ दोबारा से बढ़े ना, सूजन दोबारा आए और दोबारा ना आए। इतना नहीं चलना कि सूज जाए। तो अभी सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे जितने भी वेल विशर हैं मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी परेशान ना हो, मैं एकदम ठीक हूँ और अपने घर में स्वस्थ हूँ। दवाइयाँ ले रहा हूँ, खाना अच्छा ले रहा हूँ, हेल्दी खाना ले रहा हूँ। तो यही अपडेट है कि मैं एकदम ठीक हूँ और जल्दी रिकवर हो जाऊँगा पूरी तरह से। थैंक्स। ये हमारी चाबियों का स्टैंड है, यहाँ पर हर गाड़ी की चाबी होती है और भी कई चाबियाँ हैं। ये हमारी पार्किंग है, ये घर की गाड़ी है, ये पर्टिकुलर किसी की गाड़ी नहीं है, ये हमारे घर की गाड़ी है। मतलब छोटी मोटी जगह जाना हो तो कोई भी ले जा सकता है। पहले ये कनिका की थी, तो जब से मैंने एस क्लास ली है मर्सिडीज़ की तो मैंने कनिका को अपनी मर्सिडीज़ CLA दे दी है। तो अब कनिका के पास मर्सिडीज़ CLA है और मेरे पास मर्सिडीज़ बेंज एस क्लास है। और जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं मम्मी पापा हम लोग सब, तो हम ये फॉर्चूनर यूज़ करते हैं। ये शाम को हम ढक देते हैं, ये शाम को हम लोग ढक देते हैं कि जिससे डस्ट ना आए। और ये जो कवर है ना, ये एंटी डस्ट है तो इसमें डस्ट वस्ट नहीं लगती। मैला ज़रूर हो जाएगा पर ये धूल मिट्टी इसमें नहीं चिपकती। वो रुद्राक्ष की बुलेट है और रुद्राक्ष की स्कूटी है
और वो बुलेट है। महाराज की जो स्कूटी है वो एरोक्स है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। ये सब रुद्राज के दोस्त हैं। अब ये सोच रहा है कि मैं इसको खूब प्यार करूं। इसने ना बच्चे दे रखे, वो बच्चे उधर हैं। हाँ, वेयर आर योर किड्स? हे बेबी, वेयर आर योर किड्स? हे सेक्सी मदर, वेयर आर योर किड्स? ओके, चल अब मैं जाता हूँ ऊपर टेरेस में, थोड़ी देर बैठूँगा। एक्चुअली ना बारिशों में मुझे बहुत डर लगता है लिफ्ट को यूज़ करते हुए। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि कभी भी लाइट जा सकती है, लेकिन इसके अंदर ERD सिस्टम है कि लाइट जाते ही जो सबसे क्लोज स्टेशन होगा वहाँ रुक जाएगी। बट फिर भी वो जो 30-15 सेकेंड का टाइम होगा उसमें मेरी बहुत बुरी हालत हो जाएगी। मैं चलता हूँ ऊपर, थोड़ी देर ऊपर बैठूँगा अपने रूम में। वो फैमिली रूम है हमारा, एक तरह से ड्राइंग रूम है वो। ओ, डिजलिंग हो रही है, डिजलिंग। बहुत ही खूबसूरत मौसम है। लिटरली मैं आपको क्या बताऊं, इस टाइम अगर कोई उठा होगा तो वो समझ जाएगा कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है। वाओ, चाबी बदलू? हाँ, चाबी लाया हूँ। मुझे ना ये लाइट अच्छी लगती है, और कोई लाइट मेरे को नहीं पसंद आती। तो मैं आपको अपने गिम्बल से मुलाकात कराता हूँ। ये है M2S, क्रेन का है ये M2S। बहुत ही शानदार गिम्बल है, पर मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, बट ये गिम्बल बहुत ही शानदार है। इसका नाम है M2S, या देख सकते हैं बहुत, ये क्रेन इसका मॉडल है। और ये मेरा दूसरा गिम्बल है, ये है वीबिल एस। ये अभी भी नया लॉन्च हुआ है, तो जिनको गिम्बल्स का शौक़ है वो समझ जाएंगे कि वीबिल एस क्या मॉडल है। और सबसे ही मेरा फेवरेट जो है वो ये है DJI रॉनिन। ये मेरा सबसे फेवरेट गिम्बल है। तो मैं आपको थोड़ा रोशनी में अपने गिम्बल्स दिखाता हूँ। ये है मेरी गिम्बल्स की कलेक्शन, ये सारे मेरे गिम्बल्स हैं। एक मेरे हाथ में है और एक नीचे पड़ा है, तो मतलब 4-5 गिम्बल्स हैं मेरे पास। मुझे गिम्बल्स का बहुत जुनून है। एक नीचे पड़ा है, 3 ये हैं, एक मेरे हाथ में है, और 2 से 3 मैंने ऑर्डर कर रखे हैं अमेज़ॉन में। एक लेटेस्ट आया है, एक मुज़ा का लेटेस्ट आया है, और एक ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, जो भी है। गिम्बल्स की अच्छी बात यह है कि आप, आई एम सॉरी, कट, यहाँ से बड़ा अच्छा लगता है, बाहर का सारा व्यू दिखता है,
सब कुछ दिखता है। ये जो 5 दिन का पीरियड मेरे को मिला, आई मीन 25 से 30 दिन का पीरियड जो मेरे को मिला, जिसमें से 10 एक दिन हो गए हैं, मैंने काफ़ी पॉजिटिव सोचा और कुछ नेगेटिव भी सोचा। मतलब कभी कभी बेड पे बैठे हुए या लेटे हुए ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल में हॉल पड़ रहे हैं, जैसे कुछ होने वाला है। तो ये सब ऐसे होता, अब ये होगा, अब वो होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हालांकि कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन पर फिर भी एक दिल में हॉल पड़ते रहते हैं मेरे कि सब ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। कुछ है नहीं, मुझे भी पता है, पर फिर भी एक मैं आपको अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। शायद ये हर एक के साथ होता होगा कि जो बीमार है, जो एक कैप्टन ऑफ द शिप है, जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है, और वही अगर बेड पे आ जाए तो कैसे चलेगा। तो यही सब एक थॉट्स आते रहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। थॉट मतलब कैसे, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। वो सब इस टाइप के नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि कल को मुझे कुछ हो जाए। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं बेड रेस्ट पे आ गया, इससे मुझे एक सोचने का, एक समझने का अपनी ज़िंदगी को मौका मिला कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये थॉट्स बार बार मैं सोचता हूँ, बार बार मेरे दिमाग में आते हैं, उससे मेरी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो गया है। अब मैं जीऊँगा अपने बच्चों के लिए, जीऊँगा अपने परिवार के लिए, जीऊँगा अपने मम्मी पापा के लिए, जीऊँगा अपनी माँ के लिए, जीऊँगा अपनी बहनों के लिए, जीऊँगा। मतलब मेरे को अब जीना है। जी तो मैं पहले भी रहा था, लेकिन वो मेरा जीना क्या था कि मैं अपना ख्याल नहीं रखता था ज़रा भी। मीठा खा लेना, कुछ भी खा लेना। मतलब मैं इस टाइम 45 साल का हूँ, तो 40 साल के बाद एक्सरसाइज चाहिए, लिमिटेड फूड चाहिए, डाइट चार्ट चाहिए, वो मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। लेकिन अब जो मेरे को बेड रेस्ट मिला, उसमें मैंने जो सोचा, बहुत अच्छा हुआ भगवान मेरे को बेड पे लेकर आ गया, जिससे कि मेरे को सोचने का मौका मिला। अब मेरा एक संकल्प है कि मेरे को सिर्फ जीना है तो अपने परिवार के लिए जीना है, और अपने आप को हेल्दी रखना है, एकदम हेल्दी रखना है। रोज़ सुबह उठ के मैं यहाँ पर, आप मेरे को देखोगे कि मैं यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, और वो डंबल मैंने आपको शाम को दिखाई थे, एक्सरसाइज करूँगा। मतलब मैं अपने आप के अंदर बहुत बदलाव लेकर आऊँगा। जो गौरव चाहता था, शायद अभी गौरव सो रहा है, पर जब वो ये व्लॉग देखेगा तो उसको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि गौरव मुझे बोल बोल के थक गया। उसने मेरा 6 बार क्या कहते हैं जिम में एडमिशन कराया, 6 के 6 बार उसने एनी टाइम जिम में मेरा एडमिशन कराया। मैं 2 दिन जाता था, 4 दिन छुट्टी मार जाता था। तो उसने आज तक मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं उसको पढ़ लेता हूँ कि वो नाराज़ है मुझसे इस बारे में कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता। लेकिन अब गौरव बहुत खुश होगा जब वो अचानक मुझे इसके ऊपर चलता हुआ देखेगा, डंबल्स करता हुआ देखेगा। और जब मैं यहाँ पर अपने हफ्ता से 10 दिन भाग लूँगा, एक्सरसाइज घर में कर लूँगा, फिर मैं एनी टाइम जिम गौरव के साथ दोबारा ज्वाइन करूँगा, और मैं सुबह भी वॉक करूँगा, शाम को भी वॉक करूँगा। ये व्लॉग को देख के मेरे पापा भी बहुत खुश होंगे, उनको भी यही चाहिए कि तू अपना सेहत बना, अपनी सेहत का ख्याल रख। तो पापा भी बहुत खुश होंगे, मुझे पता है। तो पापा, आपके दिल की तमन्नाएं पूरी होने वाली हैं। मैं अपने आप को बदलने जा रहा हूँ, मैं खूब अपना वॉक करूँगा, खूब एक्सरसाइज करूँगा, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखूँगा, और आप सबके लिए जीऊँगा। ये यहाँ पर सुबह सुबह हमारे यहाँ फ्रूट वाले आते हैं, हालांकि वो तो हर जगह ही आते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपसे अपनी बिल्डिंग का, आई मीन जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का क्या है हिसाब किताब, वो मैं शेयर कर रहा था। यहाँ पर सुबह सुबह काफ़ी फ्रूट वाले आते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है उनको ऊपर से देखते हुए। कोई फ्रूट अगर मेरे को पसंद आता है तो मैं उसको आवाज़ दे देता हूँ और रोकता हूँ कि रुक जा भैया, मैं आ रहा हूँ।
ये है, अच्छा लगता है बालकनी में खड़ा होना, बहुत ही अच्छा लगता है। आज बारिश थी इसलिए कोई पार्क में आया नहीं, सारे आप देख सकते हैं पार्क एकदम खाली पड़ा है। आज कोई नहीं आया बारिश की वजह से। और वो जो सामने घर आप देख रहे हैं ना, ये वाला घर, ये अंकल हैं, बहुत मेरे को प्यार करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बजाज अंकल का ये घर है। तो मोस्टली जितने भी मैं कुछ डील्स करता हूँ प्रॉपर्टी को लेके, हम और ये मिलके ही करते हैं। आज या कल हम इस मिट्टू को उड़ा देंगे, क्योंकि जिस दिन से मैं इसको लेकर आया हूँ उस दिन से परेशानी आई है मेरे ऊपर। मतलब सबसे बड़ी परेशानी तो आपको पता ही है कि आई मेरे ऊपर, धीरे धीरे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो मैंने एक जगह फ़ोन किया, मेरे एक सलाहकार हैं, तो वो कह रहे हैं सबसे पहले तो इस पैरेट को आप आज़ाद करो, तो इसकी बददुआ लग सकती है, कुछ भी लग सकती है। तो आज या कल हम इसको उड़ा देंगे। कल मैं एक दो दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं ज़रा पंडित जी से बात करूँगा कि उड़ाने का कोई दिन है या कुछ है, या सीधा इसको उड़ा दूँ। तो ये खैर बेकार की बातें हैं, कोई दिन है विन है। पंछी को आज़ाद करना तो कभी भी आप कर सकते हो, पंछी को आज़ाद करना तो आप कभी भी कर सकते हो। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया, बाकी सब तो सो ही रहे हैं। अभी मैं सुबह उठते ही मैंने काम वाम किया, अभी राजीव चला गया, उसको अम्बाला जाना था, वाइफ उसकी वेट कर रही है रुचि। ये खैर आप कहेंगे मैं बार बार दिखाता हूँ, पर फिर भी अच्छा लगता है आपसे सब शेयर करना। ये आज आप देख सकते हैं कि मैं आज मैं कुछ अपनी, मेरा एक चैनल है, इस चैनल का नाम है अनसीन वॉक्स ASMR सुमित। आप देख सकते हैं अनसीन वॉक्स ASMR सुमित। तो इसके अंदर मैं सारी जो वीडियोज़ है ना वो सारी मैं ASMR की डालता हूँ, मतलब साइलेंट वीडियो, साइलेंट एकदम साइलेंट, कुछ बोलना नहीं है और मार्केट में घूमना है, चीज़ें दिखानी है। तो ये है ASMR का मतलब। मैं सबसे पहले तो ठीक होने के बाद अपनी बीवी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये आज नहीं है, हमेशा जब भी मुझे कोई दुख आया है सिर्फ हम मियाँ बीवी अकेले रहे हैं और कोई नहीं रहा। आने को सब आते हैं मिलने जुलने, चले जाते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन आखिर में हम मियाँ बीवी रह जाते हैं। तो मैं आपको भी एक सलाह दूँगा कि आपस में प्रेम से रहिए मियाँ बीवी, क्योंकि ज़िंदगी में कैसे भी सरमाए हो, दुख हो सुख हो, सबसे बड़ी बात दुख हो, सुख तो चलो कोई नहीं, लेकिन जब भी अगर दुख आएगा तो सिर्फ आपकी बीवी ही आपके साथ खड़ी होगी, कितने भी आपके जानकार, कितने भी दोस्त यार खड़े हो जाएं उस टाइम, लेकिन एंड एक पल ऐसा आएगा कि आपकी पत्नी ही आपके साथ अकेली खड़ी होगी। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो एंड में अकेली कनिका ही मेरे साथ रह गई पट्टी कराने के लिए, हमने अकेले ही रोए, अकेले ही दुख आपस में बांटा। मतलब मैं, मेरे साथ शब्द नहीं है आपको बताने के लिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि आखिर में अकेले पति ही पत्नी के साथ रहेगा, अकेले में पत्नी ही पति के साथ रहेगी। तो आपस में प्रेम से रहिए और पत्नी को प्यार करो, पत्नी की सेवा करो, क्योंकि आखिर में आपको पत्नी का ही आशीर्वाद लगना है। और दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद है पत्नी का आशीर्वाद, क्योंकि जो गृहिणी होती है, जो हमारा घर संभालती है, जो हमारे गृहस्थ आश्रम को संभालती है, वो हमारी पत्नी ही है, उसी से ही सब कुछ है। तो कभी भी अपने बीवी का दिल मत दुखाओ, उसे हमेशा प्यार करो, क्योंकि आखिर में उसी ने ही आपका साथ देना है। सब चले जाएंगे, सिर्फ पत्नी आपका साथ देगी। मेरी कनिका ने हर दुख में हर सुख में मेरा साथ दिया, वो हर मेरे दुख में हमेशा आगे खड़ी रही मेरे। उसने आज आठ दस दिन तक उसने मेरे को नहलाया, मेरे पैर स्पंज करे, हाथ स्पंज करे, मतलब मैं उसका देना नहीं दे सकता। ये उसकी पीठ सुन रही है, मैं उसका देना नहीं दे सकता। मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है। मैं कभी भी वक्त आएगा, मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं उसका ऋण उतार दूँगा, वो कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि लव में कोई रिटर्न नहीं होता। आप जब किसी को प्यार करते हैं तो आप
ये नहीं बोलोगे कि, या ये नहीं सोचोगे कि मेरे को इसका कोई रिटर्न मिले। लव में कभी कोई रिटर्न नहीं होता, इट लव इज अनरिटर्नेबल। आप जैसे गीता का श्लोक है ना कि कर्ण मरने वादी का रस्ते माँ फलेशु कदाचना, अपना तो कर्म करता चल फल की इच्छा मत कर, तो ऐसी प्यार है। प्यार में कभी भी रिटर्न नहीं होता, फल नहीं होता, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिला होगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कनिका का ऋण कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं चुका सकता उसका ऋण। लेकिन एक वक्त मैं भगवान से मांगूंगा कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि मैं कनिका मतलब जो कनिका ने मेरे साथ लाइफ में किया है कट, तो मैं ये कह रहा था कि कनिका ने मेरे साथ जो लाइफ में किया है मैं उसका कभी देना नहीं दे सकता। मैं भगवान से बस ये चाहता हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा खुश रहे। अब मतलब मैं चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा है कि मैं भी उसके साथ इतना करूँ जितना वो मेरे साथ करती है। हालांकि मेरे में इतनी, मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं उतना कर सकूँ जितना कनिका ने मेरे लिए किया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि मैं उसके लिए कुछ करूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं वो बीमार हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मैं अपना प्यार, अपनी आप समझ जाओ मेरे पास शब्द नहीं है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो एक्चुअली मैं जब अकेला होता हूँ ना, कोई नहीं होता मेरे पास, तो मैं आप लोगों से ही बातें करता हूँ, अपने आप से बातें करता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे अपनी चीज़ें। क्योंकि मेरे पास एक YouTube ही ऐसा सहारा है कि मैं अपने अपनों से कॉन्टैक्ट कर सकूँ, कनेक्ट हो सकूँ और उनको अपनी लाइफ बता सकूँ। मैं दोबारा कहता हूँ, अपनी पत्नी को प्यार करो। आपकी पत्नी जो आशीर्वाद आपको दे सकती है ना, वो शायद आपके माँ बाप भी आपको वो आशीर्वाद नहीं दे सकते। ये बात सच्चाई और मेरी अजमाई हुई बात है। ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद वैकुंठ धाम है, मैं मानता हूँ, ज़रूर मानता हूँ, लेकिन पत्नी की भी एक जगह है आशीर्वाद में। तो मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मैंने हमेशा अपनी पत्नी का आशीर्वाद लिया है। मैं अभी बाहर जाता हूँ, कुछ काम से जाता हूँ, तो उसको हग करता हूँ और उसको मैं उसको बोलता हूँ कि तू मुझे आशीर्वाद दे कि मेरा काम पूरा हो, और वो मेरे माथा चूमती है कि दे जाओ ये काम हो जाएगा। तो ये आशीर्वाद ही है और क्या है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी मैंने उसका दिल नहीं दुखाया। अगर अनजाने जाने में कोई दुखा दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और अगर जाने में दिल दुखाया और मुझे वो पता है तो मैं उसका पश्चाताप करने को तैयार हूँ, बस ईश्वर वो दिन दिखाए। हाँ जी, चाय, सुबह सुबह की चाय मैं कहीं का हाथ की पीता हूँ। और लोग जनाब उठ गए हैं, गुड मॉर्निंग। भाभी इतना एक्टिव हो रहा ना सुबह सुबह जी, गिम्बल बहुत ज्यादा एक्टिव हो। चाय पियोगे फिर? हाँ पी लो थोड़ी सी। मसाला चाय के नॉर्मल चाय? अब समर आ गई ना, ये किचन में क्या हाल करा आपने? काका मैंने तो कुछ भी नहीं करा। दिखाओ जरा। ये सब रुद्राक्ष काम है आधी रात के। अच्छा, सोया नहीं होगा फिर, बोलेगा सर दर्द हो रही है। तू ना बस उसको इतना मत डांटा कर, मेरे को पता है यू आर अ मदर। मुझे पता है यू आर अ मदर, मदर के डांटती है। इतना क्या गंद है? कुछ भी गंद नहीं है, इतना तो होता ही है। ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, आपके शुगर फ्री ये सब जो है। कौन सा? रात को मेरे को भूख लगी, मैंने रस और वो खाए। काका सुन, रस और वो खाए कोई बात नहीं।